गरीब बच्चों के लिए बुक वितरण कार्यक्रम रखा गया था। पिपलेश्वर महादेव मंदिर की तरफ से था ये कार्यक्रम। इसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग किया, काफ़ी बच्चों ने इसमें सहभागी हुए। गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रयत्न पिपलेश्वर महादेव मंदिर की तरफ से है। इसमें हमारे श्री सुभाष पांडे जी, प्रज्ञेश भाई और बाकी अनगिनत लोग जिन्होंने अपना नाम देना पसंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने छुपे रूप से सहायता की। 154 बच्चे लोगों को बुक बांटी वितरित की गई है, 154, जिसमें अनगिनत स्कूलों के, यानी सभी बहुत सारे स्कूल थे, इस तरह के अधिकतर स्कूल थे, नाला सुपारा वसई, काफ़ी स्थान से लोग आए थे यहाँ पे। यहाँ पे किसी को भेदभाव किए बिना बुक का वितरण किया गया। कोरोना काल में 2 वर्ष बंद था, कोरोना काल के बाद पहली बार ये वितरण किया गया। इसके पहले भी किया गया लेकिन कोरोना काल से पहले किया गया था। तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम हर वर्ष प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन करते जाएं और गरीब बच्चों को, अधिकतर गरीब बच्चों को पढ़ने की इच्छा होती है लेकिन वो बुक कितना कॉपी किताब के नहीं होने के हिसाब से पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमारा प्रयत्न ये रहता है कि कृपया सारे जो गरीब बच्चे हैं जिसको फीस भी भरने की अगर क्षमता न हो तो पिपलेश्वर महादेव मंदिर से आके संपर्क करें। बच्चियों को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन इसमें बच्चे और बच्चियों में भेदभाव किए बिना किसी भी बच्ची को, गरीब बच्ची को अगर पढ़ने के लिए फीस नहीं है, उनके माँ पिता उनको जो वास्तविक रूप से अगर नहीं पढ़ा सकते हैं तो हमसे संपर्क करें। पिपलेश्वर महादेव मंदिर उनकी पढ़ाई का पूरा ख्याल रखेगा। आज का जो कार्यक्रम है ये सबसे पहली बात तो ये टोटली सामाजिक कार्य है। आज की तारीख में जो सामाजिक कार्य जो भी लोग करते हैं वो पूरा अपना तन मन धन उसमें झोंक देते हैं। उसमें जो हमारे पांडे जी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जी पांडे जी जो है और सुभाष पांडे जी, ये सब मिला के जो बच्चे जिनको कुछ ना कुछ देने की जो परीक्षा रखते हैं वो हमारे ऐसे पांडे जी है। मैं तो पांडे जी से बहुत सालों से, जब से मुंबई में हूँ, पांडे जी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा कोई भी मंदिर से 2 साल जुड़ा हूँ और जो भी इनका सामाजिक कार्य देख के, मैं खुद शिक्षक हूँ तो कल ही सर ने बताया कि आपको आना है, तो मैं बाकी के सब कार्यक्रम छोड़ के सर के लिए और ये कार्यक्रम के लिए आया। एक्चुअली ये सब देन जो है अपने पांडे जी का है जो कि इस मंदिर के होलसेल करता धरता है। इन्हीं के मन में ये भावना आई थी कि यहाँ एक मंदिर बनाया जाए, बाद में आपसी सहयोग हुआ, वो लोगों ने बनाया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये रमेश पांडे की देन है कि ये ज़मीन जो है यहाँ पे कुछ नहीं था, सब कचरा जमा करते थे। इनके मन में भगवान भोलेनाथ ने जो है प्रेरणा दी और इस मंदिर का यहाँ बना। आज इतना बड़ा बड़ा बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है यहाँ और माता जी अभी आ गई, यहाँ पे साईं बाबा आ गए, सब इन्हीं का प्रयास है। हम लोग खाली कार्यकर्ता हैं, हम लोग एक नाम मात्र कार्यकर्ता हैं। इसमें सब देन, इसमें बहन लोग हैं हमारी 2-3 बहन लोग जो कि फुल्ली डेडिकेटेड हैं, वो इस मंदिर के लिए ही बनी है मुझे ऐसा लग रहा है। करीब आप मान लीजिए 13-14-15 7-8 साल तो हुआ होगा, ये मंदिर शुरू हुआ तब से जुड़े हैं। हाँ, मंदिर जब से, हाँ जब से मंदिर ये शुरू हुआ उससे पहले से जुड़े हैं। ये इनके मन में ये भावना आई तो हम लोग उसमें अपना हाथ बढ़ाए और आगे बनता जाए। और मैं भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करूँगा ऐसे हमारे सब भक्तों को, हाँ हर भक्तों को हमेशा सद्बुद्धि दें और हर साल ये लोग आके और भी बढ़िया प्रोग्राम बनाएं। हम लोग सोच रहे हैं आगे का डेवलपमेंट, जब देखिए क्या होता है, भोलेनाथ की कृपा होगी तो हम लोग इसको और बढ़िया बनाएंगे। और मैं सबको, मैं आभार मानता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। पहले तो हम मंदिर की जय जयकार बोलेंगे, पिपलेश्वर महादेव की जय। और हम बस पिपलेश्वर महादेव के आसपास में रहते हैं तो हमको ये मंदिर बनने से हमको सबको सेवा करने का लाभ मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, हम गृहस्थी लोग हैं, हमको सबसे बड़ा पुण्य मिल रहा है ये छोटी सी सेवा हमारी तरफ से। जो ये रूपल है, जो मेरे लेफ्ट में, राइट में इला बहन है, रेखा बहन है, तो हम लोग सब मिलके ये मंदिर की महिमा को ऊपर लाना चाहते हैं और भगवान की दया से आ भी रही है। बस यही हमारी प्रार्थना है कि मंदिर आगे से आगे बढ़ता रहे और आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहे और हमको ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहे हम भी एक दूसरे को, और सब मिलके कार्य करते रहे मंदिर के लिए।